जी हाँ, जिक्री भजनों का प्रोग्राम जारी है गांव फेडौली में, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सोरावली ढोला पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव और खुजल्ला मोरौली से। पेड़ पर झंकार दे रहे हैं भाई नवीन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल मुड़िया से। आइए क्या लिखा, जय राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साहब। और कवि लिख रहा है भैया गौरव, क्या बता दिया भैया, इस इंसान को चेतावनी दे रहा है कवि, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव की बात हुआ करती है। और भैया गौरव, इंसान के लिए कभी चेतावनी दे रहा है, दो लाइनों में कैसे क्या लिखा बेटा। और ले प्राणी तेरी और ले प्राणी तेरी बीती रह जाए उमरिया, ला ला तेरी बीती रह जाए उमरिया। बहुत अच्छे। जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो बेटा गौरव, कवि की कविता और गाने के ढंग अलैदा हुआ करते हैं। एक समय का जिक्र है, आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे ही
एक समय रात्रि के समय कौन वो भीमसेन अपने बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच जाता है और धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज ना जाने इन बुझाओं में कितनी ताकत है, कितना बल है। मैंने महाभारत के अंदर अच्छे अच्छे दाने अच्छे अच्छे राक्षसों का वध किया। आज धर्मराज ने कहा, ए भीमसेन कहना क्या चाहता है? भैया अगर आपकी इजाजत हो मैं दोबारा से उसी बियाबान जंगल में जाना चाहता हूं जहां पर की मैंने कीचक का वध किया। आहा सज्जनों, आज समझ गए धर्मराज के भाई भीमसेन के मन में अभिमान के अंकुर पैदा हो गए। राम राम साहब, ताली तो बजा दो कम से कम। मास्टर जी और लिखा कवि ने भैया कैसे क्या बता दिया भैया। अरे दई इजाजत धर्म ने, और कोई भीमसेन हर हर चलती बार कोई और भीमने बाबा और लइए गदा उठाए बाजना लइए गदा उठाए। रे गोरा ये सही इजाजत धर्म ने, संत मिलन को चालिए बाबे बाबा ये 50 रुपए का पुरस्कार संजय जी दे दो साहब तैयार काज। संत मिलन को चालिए तज माया अभमान लेकर के बियाबान जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन बेटा गौरव होता क्या है? क्या रखा बेटा सोद जिकड़ी में? जो चले रे हाथी रे और झूम रहे हो वो और घूमे बनी मेरे और भीमा और या कितन में जोर अपार रे नहीं कोई सीमा। बाबे बाबा
पसीना भीमा के तन से बेटा गौरव बाबा ने 20 रुपया दिए मुट्ठी बांध के भैया बह पसीना भीमा के तन से रही जा प्यासा सताई लंबे 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 पाम धर जी गयो संत ढिंग आई बेटा गयो संत ढिंग आई है जंगल में पहुंच गया और लिखा है भैया अर्थ में कि बह पसीना भीमा के तन से रही जाए प्यास सताइए और लंबे लंबे पाम धरे जी गयो संत डिंगा आइए के हाथ जोड़ के भीमसेन हाथ जोड़ के भीमसेन बाबा हाथे बोलो पानी अरे बाबा बोए प्याय दे ठंडो भीमसेन एक संत के पास पहुंच गया और कहा बाबा मुझे रात्रि का समय हो गया है और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे संचालक महोदय हमारे गुरुदेव नाम बताइए गुरु जी भूल गो बाबूलाल मासा भैया और आज भीमसेन कह रहा है बाबा ओ बाबा मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है मैं थक भी गया हूं अगर बाबा मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो लेकिन बाबा ने कोई बात नहीं सुनी और भैया इशारे में एक बात कह रहा है क्या कह रहा है बेटा गौरव क्या लिखा अरबी माँ को दियो इशारो आगे ताला आगे ताला भरो एक भरो आगे ताला भरो एक भरो देखा अरे बाह बाते बोले पानी सरोवर पर से उसी बाबा के पास आ जाता है और कहा ए बाबा मुझे रात्रि का समय हो गया है अगर आपकी इजाजत हो तो आज का विश्राम आपकी कुटिया में कर लूं तो कैसा रहेगा आज बाबा ने कहा वारे भीमसेन इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था कि एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा और आज भीमसेन के लिए आज्ञा दे देता है वो बाबा और बेटा कर क्या रहा है बाबा असली रूप में क्या लिखा रहा है अरे दिल छप गए अब है गई देरी और रात अंधेरी छाई है और तैत संत की कुटिया में फिर नींद भी न को आई है चरी सुंगा है बेहोश करो जाना
बाबा ऐसे काय देख रहे मैं डर पे रहूं तुम्हें देख देख के हैं। आरो आनंद ना आरो आरो के बामे आवे काय में बैठा भैया ये तू बन जा बलम सटेरो और बिन बजा मत मी ये मुए कारो नाग सताएगो जहर मेरे पुवे नसना समी। बड़े बूढ़े हंस के बाज रहे थे बीजे को ए चरी सुंगा है बेहोश कर यो जना बोला भीमसेन मत भागो है तन मन की सोचिए भूल गए हो कहे लखनियों भर के बार हो तो रब लखनियों भर के मानो और बेटा गौरव लिखा के धरकंदा पे चल दियो दानव। वो बाबा असली रूप में आ गया भीमसेन को मूर्छित कर दिया और बेटा धरकंदा पे चल दियो दानव। भैया दुष्ट रहो हर साइये और इतनी देर में फिर दानिये ने बीमा लियो आइए सो धरकंदा पे चल दियो दानव। धरकंदा पे चल दियो दानव तमसा नदी किनारे और बाबा फिर दानिये ने बादरा। आज भीमसेन को उठा करके कहां ले गया तमसा नदी के किनारे और भैया लंगड़े ढोला में क्या जवाब दिया बेटा झलकी धारा मौका पाया। 5 मिनट रह गई है साहब। गुरुजी
पांच मिनट में गानों का सुनाऊं, शुद्ध जिक्री सुन लो, उड़ान सुना देता हूं आपके लिए मास्टर जी। और उड़ान में क्या लिखा भैया, क्या है मास्टर जी? आज भीमसेन को जल की लहरों में बहा करके उस दाने का क्रोध शांत नहीं हुआ, और बेटा उड़ान के माध्यम से क्या बताया। क्या आपकी होली